हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब भाई बच्चों के। मेरा नाम है आरबी अधरम भाई, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। आज की इस वीडियो में बताने वाले धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा जो भी है, आपको गुरु पुस्तक कैसे बनाना है। अगर इस वीडियो को आपको इस थंबनेल को देख कर क्लिक कर दियो तो आप बहुत ही अच्छा पोस्टर डिजाइनिंग के वीडियो पे आप क्लिक कर दिए हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको पीएलपी फाइल, पीएनजी फाइल, ऑल मटेरियल को कैसे आप यूज कर सकते हैं। इसमें वीडियो में सिर्फ आपको पीएलपी फाइल मिलने वाली है और पीएलपी फाइल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद आपको अनजिप करने के लिए आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड वीडियो में आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद आपको पासवर्ड जानना देख लेंगे, उसके बाद फाइल को डाउनलोड करके अनजिप कर लेना है। और अनजिप करने के बाद आपको मैं अंदर देखोगे तो आपको एक पीएलपी फाइल देखने को मिलेगा। तो उस पीएलपी फाइल को कैसे पिक्सेल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, इसी बीच पे आज हम गौर रखेंगे। तो यहाँ पर गौर रखने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सेल एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पर पिक्सेल एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर न्यू टेस्ट आएगा, इसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद पीएलपी फाइल ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर आपको थ्री आइकन देखने को मिल जाएगा। थ्री आइकन पे क्लिक करके नीचे से तीसरे स्थान पे ओपन पीएलपी फाइल का ऑप्शन दिखाई पर टैप करना है। और यहाँ पर मेरे पहले से धनतेरस दीपावली गुरु पोस्टर यहाँ पर ऐड है, तो यहाँ पर इसको हम डिलीट करेंगे। और जो फाइल आपको दिया गया वो फाइल कैसे यूज करना है, उसके यूज करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको डॉट पीएलपी फाइल का ऊपर आपको कोष्टक दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद आपको एक आपको ऑप्शन खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह से। इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको तीर का ऑप्शन, तो इस वाले तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस फाइल को खोज लेना है जो फाइल ने आपने बनाया है, यानी आपको अनजिप करके रखे हो। तो उस फाइल का नाम था धनतेरस दीपावली गुरु पोस्टर 1, ठीक है। तो यहाँ पर धनतेरस दीपावली गुरु पोस्टर 1 को हम खोज लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए नीचे यहाँ पर लिखा होगा धनतेरस दीपावली गुरु पोस्टर 1। तो यहाँ पर खोज लेते हैं और नीचे जाते हैं अब यहाँ पर देखिए सबसे नीचे हमारा लिखा हुआ है धनतेरस दीपावली गुरु पोस्टर 1। इसको आप टैप करेंगे, अंदर एक पीएलपी फाइल शो करेगा, तो इस पीएलपी फाइल पे आपको टैप करना होगा। उसके बाद आपको एक कुछ नोटिफिकेशन दिखाई देगा, ओपन ओनली यानी ओपन वर होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑन एंड ऐड का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, ऑन एंड ऐड का, यानी ऑन भी हो जाएगा आपका ऐड भी हो जाएगा। तो इस पर आपको टैप करना है, इस पर टैप कर एक नोटिफिकेशन देगा आपको, ओके करके उसके बाद बैक बटन दबा देना है। अब यहाँ पर आपका पीएलपी फाइल यहाँ पर बहुत ही तरह से इंटरेस्ट तरीके से आपका यहाँ पर ऐड हो गया है। इसके बाद आपको इसमें सारे के सारे डिजाइनिंग कैसे करना है, यानी चेंज कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। चेंज करने का सबसे आसान तरीका, इसमें कोई अन्य फंट नहीं दिया गया, इसमें सब नॉर्मल हिंदी फंट है, इसमें कोई यूनिकोड की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप डूब क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नाम को ज़्यादा से ज़्यादा सब नाम को अनलॉक किया गया है, तो मैं जो चीज़ आपको छेड़ना नहीं है उसको आपको उसको अनलॉक रखना है, ठीक है। जो चीज़ आप छेड़ना है यानी माता जी को पीएनजी और कुछ डिजाइनिंग जो रहेगा उसको छेड़ना नहीं है, इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत आप लोग के लिए करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम प्लेट देखिए, नेम प्लेट भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, तो आपको इसको भी अनलॉक कर लीजिए, इसमें आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। चाहो छेड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात आ जाएगी आपको इसको कैसे करना है, यहाँ पर लिखा होगा आप सभी देशवासियों को, इस पर टैप करके आप ग्रामवासी क्षेत्रवासी जो भी लिखना चाहते हैं इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर कुछ और बढ़ाना चाहते हैं, धनतेरस दीपावली एवं छठ पूजा एवं जो भी भाई दूजा, तो आगे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसको ऊपर नीचे कम बेसी करके आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ यहाँ पर मैनेज करके इसके नीचे कुछ और भी लिख सकते हैं, या तो ऊपर वाला भाग आपको ऊपर कर देना है दीपावली धनतेरस, यह बीच में यहाँ पर छठ पूजा है, ग्रुप पोस्टर जो भी छठ पूजा हुआ भाई दूजा हुआ इसके नीचे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया, अब यहाँ पर आपको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर वह धज यहाँ पर लिख देते हैं वह, ठीक है, वह भैया दूजा, ठीक है। तो यहाँ पर भैया, ठीक है, यहाँ पर दूजा एवं छठ पूजा, ठीक है। अब यहाँ पर एवं छठ पूजा, ठीक है, यहाँ पर हम छठ पूजा लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर छठ पूजा यहाँ तक हमने लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरह क्रॉप करना है, इसको अपने हिसाब से इसको मैनेज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें कलर देना है, तो कलर देने के लिए यहाँ पर बीच पे क्लिक करेंगे, ए पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कलर पर आएंगे। अब यहाँ पर एक कलर कर लीजिए कोई भी अच्छा सा जो अच्छा लगे, यहाँ पर मैंने रेड कर देता हूँ कुछ अलग से, यहाँ ग्रेनाइट पर क्लिक कर दिए। आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से सेव करने के बाद आप देखिए कि हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं वाला पीएनजी यहाँ पर लगा दीजिए, इसको यहाँ पर लगा दीजिए। अब यहाँ पर आपको पूरा इंटरेस्टेड फोटो डिजाइनिंग आपका हो जाएगा।
उसके बाद आ गई आपको फोटो कैसे ऐड करना है। दूसरा फोटो ऐड करने के देखिए सारे सारे फोटो यहाँ पर दिया गया है, PNG के थ्रू बनाया गया है। आपको बहुत ही आसान तरीके से इस तरह का फोटो बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ फोटो डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पर से हम कुछ फ़ोटो डिलीट करते हैं, उसके बाद इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल फ़ोटो अपने दोस्तों का ले लेना है, यहाँ पर हम सारा फ़ोटो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नाम पे देख लीजिए, नाम पे दो बार टैप करने के बाद आपको नाम अपना लिख देना उसके नीचे। ठीक है, दो बार टैप करोगे उस पर नाम का ऑप्शन दे देगा, नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो कैसे ऐड करना है, ऐड करने के लिए प्लस पे सेलेक्ट करेंगे, फोटो गैलरी पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस यहाँ पर अपने ऑप्शन में चले जाना, जहाँ भी भाइयों का जिन दोस्तों का फोटो रखे होंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए कुछ इस तरह का फोटो सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिया यहाँ पर गोला का, ठीक है, यहाँ पर लॉक का, इसको गोला का, गोला वाला क्लिक करेंगे, फोटो अपने हिसाब से गोल कर लीजिए। इसके बाद इस फोटो को अपने हिसाब से इसको मैनेज कीजिए। ठीक है, मैनेज करके यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने रख दिया है। उसके बाद इसमें क्या करना है, प्लस पर सेलेक्ट करेंगे, आगे चल के इसमें स्टॉक दे देना है। स्टॉक का मैं आपको वाइट स्टॉक दे सकते हो, रेड स्टॉक दे सकते हो, जो अच्छा आपको स्टॉक लगे वो स्टॉक दे देना है। अब यहाँ पर ऑप्शन देगा, इसको इसके नीचे के रखना है, यानी आपको फ्रंट टू बैक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर बैक पे क्लिक करेंगे आप वो नेम के ऊपर नीचे हो जाएगा। इसी प्रकार से जितनी फ़ोटो आप लगाओगे उतनी फ़ोटो इसके नीचे लेकर आना है। इस तरह से आपको सारे के सारे पोस्टर में फ़ोटो इस तरह से क्रिएट करते रहना है। फ़ोटो साइज अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, या आप इस तरह से अपने हिसाब से कम बेसी करके फ़ोटो का साइज जितना छोटा बड़ा रखोगे आप पे डिपेंड करता है आप कैसे रख सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो को रखना है। ठीक है, और जो लाइट वाला ऑप्शन आ रहा है ना, आप उसको ऊपर नीचे यहाँ पर डुओ पे क्लिक करके जो भी आप यहाँ पर बैकग्राउंड में लाइट दिया गया है आप लाइट अपने हिसाब से इसको मैनेज करते हैं, यानी इस तरह से आपको उठा के लाइट को इसके नीचे जितने फोटो हो गए फोटो के नीचे डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका लाइट नीचे हो जाएगा, फोटो आपका ऊपर हो जाएगा। इस तरह से सारे पोस्टर में फोटो पे फोटो लगा सकते हैं। उसके बाद आपको सारा इस लगाने के बाद आपको सेट कैसे करना है, यानी सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करना, सेव एन इमेज पे जाना, क्वालिटी पे सेव क्वालिटी पे क्लिक करना, अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी पे सेव कर लेना। अगर आपको हमारे यहाँ पर प्योरीफाइल आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल करना, आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।